नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों में सबसे ज्यादा कुटू का आटा खाया जाता है। ज्यादातर लोग कुटू के आटे की पकौड़ी, कचौड़ी या पराठे खाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि 99% लोगों को असली और नकली कुटू के आटे में फर्क ही नहीं मालूम, जिसकी वजह से वो लगातार नकली कुटू के आटे का सेवन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नकली कुटू का आटा आपकी सेहत का दुश्मन है। ऐसे में अगर आप भी असली और नकली कुटू के आटे की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो आप अपनी और आपके परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खराब क्वालिटी के कुटू के आटे का सेवन करने से हर साल सैकड़ों लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं। कहीं इस बार अस्पताल जाने का नंबर आपका तो नहीं है? अगर आप फास्टिंग के दौरान बीमार नहीं होना चाहते हैं, तो इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना। जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तब तक आप असली और नकली कुटू के आटे में फर्क पहचान चुके होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। साथियों, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य माता रानी के व्रत रख रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ भी ना खाए जिससे उसकी हालत बिगड़ जाए, और उसके लिए आपको असली और नकली कुटू के आटे में फर्क जरूर पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्योर कुटू का आटा हल्का भूरा और ग्रे कलर का होता है। इसका टेक्सचर पतला और स्मूथ होता है। सुगंध की बात करें तो ये अखरोट जैसा महकता है। इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी पैकेजिंग को देख लें। कभी भी बिना एक्सपायरी डेट चेक किए हुए कुटू का आटा ना खरीदें। इसके अलावा आप इसके लेबल को पढ़ें, इसमें मिक्स की हुई सामग्री जांच लें और मैन्युफैक्चरिंग देख लें। लेकिन ध्यान रहे कि पैकेट पर सर्टिफिकेशन को जरूर चेक करें, जैसे FSSAI, ISO और एगमार्क। साथियों, अगर आप पैकेट वाला नहीं बल्कि खुला हुआ कुटू का आटा लेकर आए हैं, तो भी आप उसकी जांच घर पर ही कर सकते हैं कि आप जिस कुटू के आटे को लेकर के आए हैं वो असली है या नकली। उसके लिए एक चम्मच कुटू के आटे को पानी में मिक्स करें। ये पानी को सोख कर लोई में आसानी से बन जाता है, तो ये असली है। नकली आटा पानी को जल्दी नहीं सोखता। पानी के साथ टेस्ट करने के अलावा आप इसे तेल के साथ भी चेक कर सकते हैं। एक चम्मच कुटू के आटे में आप तेल को मिक्स करें। प्योर आटा तेल के साथ कभी लंप्स नहीं बनाएगा, जबकि नकली आटा तेल के साथ मिलकर लंप्स बना देगा। इसके अलावा आप इसे आग पर भी टेस्ट कर सकते हैं। शुद्ध आटा सुगंधित मेवे जैसी खुशबू देगा, जबकि नकली आटा बदबू देगा। साथियों, मिलावटखोरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नकली कुटू के आटे का सेवन करके आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। उनका काम बस मुनाफा कमाना है। ऐसे में सावधानी बरतना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप फास्टिंग के दौरान हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो अब जब भी कुटू का आटा खरीदने जाएं, तो पहले उसकी जांच करें कि ये असली है या नकली, उसके बाद ही आटा खरीदें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।